वरना भागवत कहती है मृत्यु के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो माँ बाप जीवित रहे बच्चे के मृत्यु हो जाए, असंभव। पहले माँ बाप मरते हैं फिर बच्चे मरते हैं, लेकिन जिन माँ बापों के जीवन में ऐसा हुआ है आप तुरंत अपने कर्मों को सुधार करिए, जो गलती भई है उसको पश्चाताप करिए, पुनः गलती ना हो। ध्यान रखिए अगर आप किसी से उधारी ले रहे हो तो चुकाना आप ही को पड़ेगा। अच्छे घर से अभी दो चार दिन पहले की बात है, हम खड़े थे हाईवे पर, अच्छा खासा खड़े थे, ट्रक वाला लाया भिड़ा दिया गाड़ी, आगे का थोड़ा डैमेज हो गया। हम गुस्सा नहीं किया, हमने कहा जरूर कुछ हमने किसी जन्म में नुकसान किया होगा जो आज वो हमारा करके गया है। तो आप अगर उधारी लिए हो तो चुका देना जीते जी, वरना हम नहीं जानते किसी जन्म में चुकाओ, चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा। वृंदावन ले गया, नैमिष ले गया, अयोध्या ले गया, काशी ले गया, हरिद्वार ले गया, चित्रकूट ले गया, आखिरी में हर व्यक्ति को जहां वैराग्य आता है भैया शमशान घाट वहां भी ले गया, लेकिन धन्य है बाबूजी को वैराग्य नहीं आया। क्यों? शमशान घाट में लड़का रोने लगा, लाखों चिताओं को जलता हुआ देखा, अब बालक तो रोने लगा लेकिन पिताजी ने कहा बेटा रो मत, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जा रहा है, अब इसमें रोना क्या। तो लड़के ने कहा पिताजी आपके अंदर कोई वैराग्य नहीं आया, आपके अंदर वैराग्य नहीं आया क्या? तो पिताजी ने कहा बेटा वैराग्य हमारे अंदर आया है, बहुत बढ़िया वैराग्य है, सुनोगे? अगर यहां पर हम लकड़ी का धंधा करें कि